मिमिक्री पसंद आती है? राजू श्रीवास्तव बहुत कल से इंतजार कर रहे हैं कि आप आएंगे यहाँ पर, और अपने हर सेशन में यहाँ पर वो एक बार जिक्र जरूर कर जाते थे कि हम अमिताभ जी आने वाले हैं, अमित जी आने वाले हैं, हर बार ये जिक्र होता था। अभी दो लाइनें बोलकर बैठ गए। हेलो 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 हेलो, आवाज बढ़ा तो बेस आए। मैं मशीन के जरिए बेस बढ़वा लेता हूँ, क्योंकि अंदर से नहीं है। सर वो आपकी सारी फिल्में बहुत बहुत बार देखी है, और कई बार सिनेमा हॉल में पकड़ा गया हूँ, क्योंकि स्कूल छोड़ के बैठा हुआ था वहाँ, तो अम्मा पीछे से आके ढूंढ लेती थी, वो उसको गेट कीपर को कुछ पैसे दे देती थी, वो बता देता चौथा है, चौथा बाएं से चौथा बैठा है, वो पीछे से पकड़ा, यहाँ बैठे हो तुम, अब तुम कहा अमिताभ बच्चन खाना दे हैं। खाने के लिए हमारे पास आवत, हमारा करेजा खा लो, फिल्म देखा तो अमिताभ बच्चन तुमका खाना ना दे हैं। लेकिन बाद में जब मैं आपकी मिमिक्री से कमाने लगा, तो मैंने कहा अम्मा अमिताभ बच्चन ही खाना दे रहे हैं। आज एक मैंने सीन किया था कि त्रिशूल फिल्म में जब उस पे बात हो चुकी है हम लोगों की, त्रिशूल ये कॉकटेल सेक्शन में ज्यादा रहे हैं, सो त्रिशूल में वो सीन था कि आप बिल्डिंग खरीदते हैं और इफ्तिखार बिल्डर हैं, उनसे खरीदते हैं, तो ज़्यादा पैसे आप दे रहे हैं उस बिल्डिंग के, उसकी कीमत से ज़्यादा दे रहे होते हैं, तो वो इफ्तिखार कहते हैं विजय विजय माफ़ कीजिए, आप अच्छे, आपको धंधा करना नहीं आता, अगर आप कहते तो मैं इस बिल्डिंग के 5-10 लाख रुपए कम कर सकता था। फिर आप कहते हैं माफ कीजिए दादा साहब, माफ कीजिए, बिजनेस करना तो आपको नहीं आता, अगर आप कहते तो मैं इस बिल्डिंग के 5-10 लाख रुपए आपको ज्यादा दे देता। ऐसी तू पूछते हैं ऐसी क्या खास बात है इस बिल्डिंग में? दादा साहब ये बिल्डिंग जब बन रही थी तो मेरी मां ने इसमें मजदूरी की है, सर पे ईंट और पत्थर ढोए हैं। फिर इसके आगे मैंने जोड़ा है जो फिल्म में नहीं था, विजय वो आजकल तुम्हारी मां कहां है? जी क्यों? नोएडा में 2-4 बिल्डिंग मेरी और शुरू हो रही है। थैंक यू सर, थैंक यू सर।